जिंदाबाद 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 पिंकी देवी जैसा हो, पंजाब का मुखिया कैसा हो, पिंकी देवी जैसा हो, पिंकी देवी जिंदाबाद है। और इनके समर्थित उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में है लखनपुर से पिंकी देवी। सर एक क्या जरूरत पड़ा जो आप ग्राम पंचायत का जो चुनाव है उसमें आप इतना दिलचस्पी ले रहे हैं? देखिए हम लोग जदयू के कार्यकर्ता हैं, हमारे दल का बिहार में सरकार है, हमारे पंचायत में जो अभी तत्काल मुखिया कन्हाई पासवान जी हैं उनके देख रेख में एक भी विकास का काम नहीं हुआ। पंचायत के जनता चाहे वो दलित समाज का हो, बैकवर्ड समाज का हो या अपर क्लास के कोई भी समाज के लोग हो, काफ़ी व्यक्ति लोगों ने हमको हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि पंचायत में परिवर्तन होना चाहिए और हम लोग चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में चुनाव हो और आप उम्मीदवार लड़ाइए, पंचायत के जनता आपके साथ रहेगा क्योंकि आप एक ऐसा सोशल व्यक्ति हैं, कार्यकर्ता हैं जो कि हम पंचायत के जनता का आस्था आप में है कि आप परिवर्तन ला सकते हैं, विकास कर सकते हैं, हैं यही जनता के मांग पर हमने एक सवाल यह है कि आपकी सरकार जदयू और नीतीश कुमार पार्टी में है और नीतीश कुमार का सपना था सात निश्चय योजना, जो घर घर तक पहुंचना था। सात निश्चय योजना में नली हो गया, गली हो गया और आपका जल नल सब सारा चीज होना चाहिए था, ग्राम सभा लगना था, साथ साथ यहाँ पर सोलर लाइट लगना था, तालाब की खुदाई होनी थी पंचायत में। क्या आपको लगता है कि आप बड़े पार्टी के नेता हैं और आप अपनी इस पंचायत के रहने वाले हैं, आप क्या देखते हैं इस पंचायत में आपके नेता का सपना पूरा हुआ या कोशिश हुई या किया नहीं किया गया? हमारे जो अभी तत्काल मुखिया हैं उनके द्वारा एक भी कोशिश ऐसा नहीं किया गया, ना तो तालाब खुदाया गया, ना कुआं का निर्माण कराया गया, ना तो सात निश्चय को धरातल पर उतारा गया। और यही कारण है कि हमारे पंचायत के जो भी जनता हैं सब अपने आप को ठगा हुआ महसूस किए, अपेक्षित महसूस किए और यही कारण है कि हमारे पास लोगों का विचार आया कि नहीं आपके नेतृत्व में परिवर्तन होना चाहिए, चुनाव लड़ाइए, हम लोग सब आपके साथ हैं। और जनता अगर मौका देती है तो इस पंचायत में क्या जो नहीं हुआ है जो आप करेंगे? मैंने अगर जनता मौका देती है, अवसर प्राप्त होता है तो ग्राउंड लेवल पर जो है मैंने हर चीज में परिवर्तन होगा, जो सात निश्चय हो चाहे तो सरकार का जो भी योजना है वो सब धरातल पर जनता के बीच में उतरेगा और कार्य रूप लेगा। निकले यहाँ पर उमेश वर्मा जी थे जो कि श्रीमती पिंकी देवी चुनावी मैदान से हैं लखनपुर से। लखनपुर पंचायत ऐसा पंचायत है जो कि जीटी रोड से यानी कह सकते हैं सटा हुआ है मेन रोड से, लेकिन सवाल है कि जितना विकास होनी चाहिए था यहाँ हुआ नहीं, जनता इनका कहना है ठगा ठगा। वर्मा जी इस बार एक जो कि ओबीसी जो सीट होने की वजह से समर्थित उम्मीदवार यहाँ चुनावी मैदान में इनके हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी और जदयू के बड़े नेता भी हैं, खासकर बिहार में बहुत बड़े बड़े आयोजन भी इन्होंने करवाया है। हाल फिलहाल में उपेंद्र कुशवाहा जी जब आए थे तो उनके भी चहेते हैं वर्मा जी, और इन्होंने लखनपुर पंचायत के लिए कैसे समर्थित उम्मीदवार श्रीमती पिंकी देवी को इस पंचायत से उतारे हैं जो कि प्रखंड बानपुर के अंतर्गत में आता है। चुनावी चिन्ह है इनका बैगन छाप जो कि 9 नंबर पर है, कुछ लोग हैं उनके समर्थक। क्या लग रहा है इस बार जो चुनावी मैदान 6 नंबर पर, कोई बात नहीं जी, इस बार चुनावी मैदान में है पिंकी देवी जी, क्या लगता है इस बार फिर से चुनाव जीत रही है? जी उपेंद्र जी भी इसका समर्थन कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? कर रहे हैं उन्हीं को जिताएंगे जो वर्तमान के मुखिया हैं, वो आपका काम किए थे कि नहीं किए थे जितना होना चाहिए था? नहीं हुआ। क्या लगता है सर आपको इस बार चुनावी मैदान में? चुनावी मैदान में जीतेंगे, हमारे पूरी उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। आप लोग सब समर्थन कर रहे हैं जी, हाँ, ये जो गाँव है बुधगेरे में किस तरह का समर्थन उनको मिल रहा है? चूंकि इस पंचायत में अभी हरली होगा, बुधगेरे है और लखनपुर तो है ही, लेकिन आपको क्या लगता है इस बार? हम लोग तो 80% रखे हुए समर्थन होगा इनका, पिंकी देवी का आप लोग समर्थन कर रहे हैं जो वर्मा जी समर्थित उम्मीदवार हैं, क्या लगता है सर इस बार? हाँ सर, हम लोग पिंकी देवी का समर्थन है, वर्मा जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, वर्मा जी एक जानकार व्यक्ति है, उनके रीजन में जो व्यक्ति जीतेंगे हमारा प्रखंड विकास करेगा, पंचायत विकास करेगा, हम लोग एक साथ उनको। नहीं लगता ग्राम सभा आपके पंचायत में लगा था जो वर्तमान के मुखिया है कभी लगाए हैं ग्राम सभा? उनसे कोई कार से जनता खुश नहीं है हमारे कन्हाई पासवान जी से, इसलिए हम लोग पिंकी जी को जिता रहे हैं। होता क्या है कि अभी लखनपुर उनके पंचायत में ही सामने में जो है बहुत सारा समस्या है दलित टोली में, कभी आप लोगों देखा है कितना समस्या बहुत देखे हैं, जहाँ तहाँ बहुत सारा काम बाकी है, कुछ कर नहीं पाए, इसीलिए तो जनता उनको नकार रहा है। आप युवा हैं, नौजवान हैं, क्या लगता है इस बार जो पंचायती माहौल में पंचायती चुनाव होने वाला है और बहुत लोग आपके पास में आ रहे होंगे, लेकिन क्या लगता है इस बार किसको आप विजेता बना रहे हैं? पिंकी देवी को मैं विजेता बनाना चाहता हूँ। अच्छा, जो वर्मा जी समर्थित उम्मीदवार हैं, जो उमेश कुमार वर्मा जी उनको सपोर्ट किए हुए हैं,
आपको क्या लगता है सर? पिंकी देवी मेरे जीत रही है, है ना? सिर्फ हम लोग को और यहाँ का पूरा जनता को समर्थन चाहिए। अच्छा, हम लोग 100% चुनाव जीत रहे हैं। आप लोग हर गांव भी इनको समर्थन में घूम रहे होंगे, बता रहे होंगे। मतलब धन मन धन सबसे जो वर्तमान के मुखिया है उससे आप लोग क्यों खफा है? खफा इसलिए है कि वर्तमान के मुखिया आज तक पता नहीं चलता कि मेरा सीट क्या होता है। मैं मुखिया पद हूँ, मुखिया का महत्व क्या होता है उनको ये चीज आज तक भी नहीं पता है। अगर उनसे पता चल जाए तो उनको जिंदगी भर गुलामी करूंगा। आप देख रहे थे पंचायत यात्रा में ये समर्थक हैं उमेश कुमार वर्मा जी का, ठीक है। लेकिन इनका साफ कहना है कि पिंकी देवी जी इस बार जीत रही हैं। 80% इस गांव के लोग ही नहीं बल्कि पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इन लोग पंचायत यात्रा में निकले हुए, जनसंपर्क मेल होता है कि बात होती है। इनका साफ कहना जो वर्तमान के मुखिया ग्राम सभा लगाते नहीं है, दलितों की समस्या सुनते नहीं है, तो कैसे होगा? ये समस्या है। आइए